सचिन यादव एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज मैं इंदौर जा रहा था, घूमने का प्लान बना था, दोस्तों के बीच में ट्रिप चल रही थी कि मांडव जाया जाए, तो मैंने सोचा कि इंदौर के बीच में भी सनाउ से इंदौर से बीच में जाते जाते भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो आज हम जाने वाले हैं इंदौर, और इंदौर की ट्रिप के बीच में आता है एक मंदिर, और वो मंदिर बहुत ही फेमस है। वो मंदिर है शनिदेव का मंदिर। देव मंदिर विश्व का सबसे बड़ा शनिदेव मंदिर माना जाता है। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको वहाँ के बारे में कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा कि मंदिर कैसे बना, कैसे क्या हुआ, जानते हैं, देखते हैं और जाते हैं। Don't overtake on one way road. These two bikes have next level comfortable level. You can see that uncle enjoying his ride. You can see the weather. इस weather से मेरी सारी planning चौपट हो जाती है, सारा व्लॉग डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट वी हैव टू कंप्लीट अवर वीडियो, सो लेट्स मूव ऑन। काफ़ी तेज बारिश हो चुकी है, उसके कारण मैं शूट नहीं कर पाया हूँ, बेट लगता, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कर लेंगे। बारिश ने मज़े ले लिए यार। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा प्लान करा कि रिटर्न जाते हुए भी शूट किया जा सकता है, तो घर पर जाते हुए रिटर्न में वहाँ मंदिर पर रुकूँगा और आपको वहाँ पर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊँगा अभी। ओके, दिन मिलते हैं वहाँ पर। फाइनली हम शनिदेव नवग्रह मंदिर पर आ गए हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर माना जाता है। जाते हैं, दर्शन करते हैं और इस पर थोड़ी बात भी करते हैं। सी नई चीज़ जानने को मिली। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि ये मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये शनिदेव का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर शनिदेव का कहा जाता है। हम मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर ज़्यादा पुराना नहीं है। सुरेंद्र मीणा नाम के एक बड़े आदमी थे जयपुर के,
उनकी जो वाइफ थी मधुबाला मीणा नाम था उनका, मधुबाला जी थे, वो इसी गांव से बिलोंग करते थे। इस गांव का नाम बाईग्राम नाम है, इसी यहाँ पर ही मंदिर बना। तो वो धार्मिक काम के लिए या कुछ रिजॉर्ट वगैरह यहाँ पर बनवाने का सोच रहे थे कि बनवाया जाए, बट हुआ ऐसा कि भूमि पूजन के दौरान यहाँ पर एक 11 किलो की शनिदेव की मूर्ति निकलती है, और फिर उसके बाद बहुत विचार विमर्श हुआ है सबके बीच में, कहाँ सुनी हुई कि रिजॉर्ट बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए, ऐसी बात चली। और फिर बाद में सबने डिसाइड करा, और ऐसा भी कहा जाता है कि सुरेंद्र मीणा जी को सपने आते थे, सपने में शनिदेव आते थे, शनिदेव कहते थे कि यहाँ पर मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाया जाएगा, और मंदिर पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाया जाएगा, और इसी बेस पर ये मंदिर बना। श्रावण में ये मंदिर जो है, ये मंदिर में जो कांवड़ यात्री होते हैं, कांवड़ यात्रियों के लिए फ्री में खाना, रहना और रुकने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि जो महिला कांवड़ यात्री रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऊपर रुकने की व्यवस्था की जाती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेन यही था कि जैसे कि हम लोग अधिकतर बाहर जाते हैं, दूर का देखते हैं, दूर का सोचते हैं, पर कभी हम ये नहीं देखते कि हमारे आसपास भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वो चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या हुआ था, क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल पीछे के व्यू का थोड़ा मज़ा ले लिया जाए और वीडियो को यहीं एंड कर दिया जाए। यू कैन सी